जिला मंडी में अग्निशमन विभाग के द्वारा आईटीआई मंडी में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में स्थानीय अग्निशमन अधिकारी भूपेंद्र डोगरा ने आईटीआई प्रशिक्षुओं को अग्नि सुरक्षा उपायों को विस्तार से जानकारी दी। स्थानीय अग्निशमन अधिकारी भूपेंद्र डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने आग बुझाते समय अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जीवन व अग्नि रक्षा को मद्देनजर रखते हुए आम जनता को एवं स्कूलों, औद्योगिक इकाइयों तथा महिला मंडलों को आग के बचाव के प्रति जानकारी दी जाएगी ताकि भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि सुरक्षा उपायों की जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके। आपको बता दें कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 अप्रैल को मुंबई बंदरगाह में भयंकर अग्निकांड में 329 फायर फाइटर आग बुझाते समय शहीद हो गए थे और शहीद हुए उन कर्मचारियों अधिकारियों की स्मृति में हर वर्ष 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। हमारा जो वीक है 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। ये इस करके मनाया जाता है 14 अप्रैल को मुंबई में बंदरगाह के पास जो एक जहाज था उस जहाज में अचानक आग लगी थी और उसमें 1200 टन जो है विस्फोटक सामग्री थी और रुई की गांठें थी और तेल के ड्रम थे और उनसे इतने भयानक आग लगी थी जिसमें जो है लगभग 329 लोग जो है हमारे फायर के भी अन्य लोग जो है उसमें हताहत हुए थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। और इसमें जो वीक है हमारा अवेयरनेस वीक है, इसमें हम सभी को जो हमारा राज्य स्तर पर जो है घोषित किया गया है उसके मुताबिक हमारा वीक चल रहा है। इसमें 14 से लेकर 20 तक मनाया जाएगा, परंतु इसमें जो हमारे मुंबई बंदरगाह में जो हमारे लोग मारे गए थे वाटर बॉज, उसमें जो है लगभग 84 जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लोग थे और जहाज सवार कर्मी 41 थे और सेना के 15 जवान थे और जल सेना के 7 जवान थे और मुंबई पुलिस के 14 जवान अन्य 4 और हमारे फायर कर्मी जो 66 लोग जो है हताहत हुए थे और उसमें 83 लोग जो है घायल हुए थे हमारे, और कुल मिला के इसमें जो है फिगर 560 के करीब जो है वो घायलों की संख्या है हमारे पास। और इसी के बीच में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं ताकि लोग अवेयरनेस आ सके और जागृत हो सके ताकि भविष्य में कभी ऐसा कोई हादसा होता है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हो सकें।